डेरिवेशन का सेकेंड लेक्चर, रेट ऑफ चेंज। डेरिवेशन को क्या बोलते हैं हम? रेट ऑफ चेंज। क्या होता है रेट ऑफ चेंज? जैसे कि दो प्रकार के रेट ऑफ चेंज होते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। मतलब हमने जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हम इसको बोल सकते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, एक्चुअल में ऐसा लिखे। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा था वो जो 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज। क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे जैसे टाइम चलेगा डिस्प्लेसमेंट कैसा चेंज हो रहा है, ये वेलोसिटी। इसको हमने कहा कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज। फाइन, थोड़ा और इसका डिस्कशन हमने किया था कि फॉर एग्जाम्पल मैं औरंगाबाद से पूना जा रहा हूँ और मेरी जो स्पीड है, मेरी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। ये एग्जाम्पल कभी भी कंफ्यूजन हुआ क्या होता है रेट ऑफ चेंज, ये एग्जाम्पल से समझ में आता है। औरंगाबाद से मैं पूना जा रहा हूँ, मेरी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। उसका मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी स्पीड हमेशा 80 किलोमीटर पर आवर रहेगी। ब्रेक दबाऊंगा तो स्पीड मेरी 60 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है। खुला रोड मुझे दिखेगा तो मैं 120 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला सकता हूँ, लेकिन ऑन एन एवरेज मेरी स्पीड कितनी थी? वो थी 80 किलोमीटर पर आवर। दैट वॉज एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, इसके लिए ये फॉर्मूला भी था, जितना टाइम था जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उनको हम डिवाइड कर देंगे, हमारी स्पीड स्पीड वेलोसिटी जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगी। लेकिन व्हाट इफ अगर कोई हमें पूछेगा, ये जो लिखा है इसके ऊपर भी मैं आऊंगा, पहले हम ये कवर कर ले। व्हाट इफ आई आस्क यू कि यार मुझे बताओ किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे गाड़ी की स्पीड क्या होगी? मतलब कोई दीवार आ गई बीच में, गाड़ी चल रही थी, ऑल ऑफ सडन ये गाड़ी इस दीवार को हिट कर देती है, और मैंने पूछा व्हाट इज द वेलोसिटी व्हेन दिस कार हिट द वॉल, जब ये वॉल को गाड़ी हिट करेगी तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? उसको हम कहते हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं, उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो तब हमारा वो स्पीड वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा। जैसे कि कन्वेंशनली ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा था, डिस्टेंस था 200 किलोमीटर और कुछ 3-4 घंटे मुझे लगते हैं, 3 आवर्स। तो तुमने आराम से मुझे स्पीड बता दी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके 200 किलोमीटर अपॉन 3 आवर्स, तो तुम्हारी किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई। ये तो काफी आसान था, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर मुझे कोई पूछता है कि स्पीड बता, तो दिक्कत आ जाती है। क्यों दिक्कत आती है? क्योंकि जब कभी हम स्पीड वगैरह डिफाइन करते हैं, हमें 2 पॉइंट्स लगते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। एक पॉइंट से गाड़ी चलेगी दूसरे पॉइंट तक जाएगी, कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना टाइम करा, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पे एक ही पॉइंट है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, मैंने कहा कि जब हिट किया तब मुझे बताओ स्पीड, तो एक ही पॉइंट है, तो यहाँ पे चेंज इन डिस्टेंस 0 हो गया, चेंज इन टाइम भी 0 है। यहाँ पे एक इंस्टेंट पे क्या टाइम होगा? 0। हमने कहा फिर आंसर 0 आ रहा है, 0 वेलोसिटी से तो गाड़ी स्ट्राइक नहीं कर सकती भाई। हमने कहा फिर ये जो नॉर्मल वाला फॉर्मूला है ये नहीं चलेगा, हमें दूसरा कुछ फॉर्मूला देखना पड़ेगा कि हमें इंस्टेंटेनियस वाला जो प्रॉब्लम हमारा है वो सॉल्व हो जाए। तो मैथमेटिक्स ने हमें हेल्प किया, मैथमेटिक्स ने हमें हेल्प प्रकार से तुम सॉल्व करो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अच्छा, कंडीशन अप्लाई, जब हम कोई भी हमें इंस्टेंटेनियस वगैरह चीज पूछेगा, हमें मैथमेटिकल में इक्वेशन दिया जाएगा, क्वेश्चन में ही दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई इक्वेशन मैंने लिखा। क्या ये विजिबल है तुम सबको स्क्रीन पे? जरूरत नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी जितना दिमाग में जाएगा उतना हम डालने की कोशिश करेंगे। हमने कहा कि ये जो प्रॉब्लम आ रही है, एक 2 पॉइंट लेते हैं हम, जिस मोमेंट पे ये गाड़ी हिट की और उसके जस्ट पहले वाला मोमेंट, उसके जस्ट पहले वाला मोमेंट। ठीक है, मतलब वो डिस्टेंस काफी छोटा होगा, इतना छोटा होगा वो 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं है, और वो टाइम भी इतना छोटा होगा कि 0 के बराबर होगा लेकिन 0 नहीं होगा। उसको हम कहते हैं कि एक इमेजिनरी नंबर हम बता देते, उसको कहते हैं इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। ये जो डिस्टेंस है जो तुम्हें नेकेड आई से दिखेगा नहीं, जब हिट कर रही है कार और उसके जस्ट पहले वाला मोमेंट, उसके जस्ट पहले वाला मोमेंट मतलब वो जो डिस्टेंस है पहले वाला मोमेंट और जब हिट किया वो काफी छोटा है, उसको हम कहेंगे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल। ये मैथमेटिकल तरीका होता है सोचने का और करने का, टाइम भी हमने छोटा लिया।
ठीक है, ये जो मैंने बोला कि काफी छोटा टाइम है, इनफाइनाइट स्मॉल टाइम, लिखेंगे कैसे? तो मैथ्स में लोग इसे ऐसा लिखते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। खैर इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन वो ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब होता है कि टाइम हमने काफी छोटा लिया है, और ये जो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम काफी छोटा होगा, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए होगा। ये समझने के लिए हमने कुछ एग्जाम्पल लिया था। हमने लिया था कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर ये मैथमेटिकल इक्वेशन दिया है, एक क्वेश्चन में ऐसा ही पूछेंगे कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड बताओ, मतलब वो कोई इक्वेशन वहां पे गिवन होगा, बिना इक्वेशन के डेरिवेशन नहीं होता, तो वो क्वेश्चन में इक्वेशन देंगे हमें। तो लेट्स से कि अगर इस प्रकार का इक्वेशन है और हमें किसी ने पूछा कि इसका रेट निकालो या इसका डेरिवेशन निकालो, तो इसका आंसर आता है 2x, उसके पीछे ये सब चीजें करने के बाद। ये क्या है? ये बिहाइंड द सीन है। जैसे कि हम कंप्यूटर चलाते हैं, विंडोज 10, विंडोज 10 सुना होगा, विंडोज 7, विंडोज 10, जब हम क्लिक करते हैं, हम किसी भी माय कंप्यूटर के आइकॉन पे डबल क्लिक करते हैं तो वो ओपन होता है। जब हम डबल क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर को डबल क्लिक नहीं समझता, कंप्यूटर को कुछ अलग लैंग्वेज समझती है। हम इनपुट डबल क्लिक देते हैं, पीछे कंप्यूटर अपनी कुछ लैंग्वेज में उसे डिकोड करता है और आंसर कुछ देता है। ऐसा ही समझो कि वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अंदर हमने कुछ चीजें की और आंसर हमें 2x मिला। ये अंदर क्या हुआ इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हमने एक सोचा इसके बारे में कि अच्छा, अगर इक्वेशन का तुम रेट ऑफ चेंज निकालते हो, दो चीजें हमें यहाँ से समझनी है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को इक्वेशन है, मैं नीचे लिखता हूँ उसे क्लियरली, लेट मी वाइप ऑफ फ्यू थिंग्स। राइट इट हियर, जैसे कि वो इक्वेशन है, इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड होती है, राइट हैंड साइड होती है, और बीच में इक्वल टू साइन होता है। यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल ए, वेरिएबल समझते हो ना, मतलब वैल्यू हम डालेंगे एक्स की कुछ तो वाई भी चेंज होगा। दिस इज वेरिएबल टू, मतलब दो वेरिएबल के बीच में मैंने ये क्या लगाया, रिलेशन लगाया। मुझे जानकारी चाहिए, क्या जानकारी चाहिए मुझे, एक्स अगर मैं चेंज करता हूँ, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने 1 रखी तो वाई कितना होगा, 1। अगर मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो वाई कितना हो रहा है, 4। एक्स की वैल्यू में 3 रख रहा हूँ तो वाई कितना हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9। तो क्या मुझे परमानेंट ऐसा इनका कोई रिलेशन मिल जाए, इनका रेट ऑफ चेंज मिल जाए, कि बार 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 ये किस इक्वेशन से चेंज हो रहा है? तो हमने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, तो मुझे चाहिए रेट ऑफ चेंज। हमारे वेलोसिटी के केस में यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पे डिस्टेंस होगा, वही फर्क होगा। रेट ऑफ चेंज लिखेंगे कैसे इसको, हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई लिखेंगे हम। वाई कैसे चेंज होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मीनिंग समझ लो, बस इतना अगर समझ गए तो बाकी की चीजें बाकी आसान। एक्स कब, एक्स जब हम चेंज करेंगे तो वाई में क्या चेंज मिलेगा, इसको मैथमेटिकल हम ऐसा लिखेंगे डी वाई बाय डी एक्स। तुम ये सिंबल मत समझना कि डी लेटर है, आप ऐसा ए वाई क्यों नहीं लिख सकते, ए वाई अपॉन ए एक्स, नहीं। डिफरेंशिएशन के लिए हमने ये स्टैंडर्ड अनोटेशन फॉलो किया है। डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब यहाँ पे डी लगाएंगे, इसका मतलब होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, और दूसरा बोल सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, और इसका आंसर आया था 2x। ठीक है, मेरा इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका रेट ऑफ चेंज मुझे मिला 2x। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं ये भी समझ लो। ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या था, ये था ओरिजिनल इक्वेशन। ये जो मैंने dy बाई dx निकाला, ये क्या है, दिस इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, या इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज, इसको बोलेंगे हम रेट ऑफ चेंज, क्या डिफरेंशिएशन बोलो या उसे बोलो रेट ऑफ चेंज। कोई लोग इसे कहेंगे इट इज डेरिवेटिव, जो टॉपिक का नाम मैंने रखा है डेरिवेटिव। ठीक है, कुछ लोग इसको बोलते हैं स्लोप। तो इसके 3-4 नाम है, जैसे जैसे एप्लीकेशन अनफोल्ड होते जाएगा वैसे वैसे उसके हर एक नाम के साथ में तुम्हारा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल हम डिफरेंशिएशन ये नाम से काम चला लेंगे। ठीक है, तो एक होता है इक्वेशन और उसके अंदर कुछ ऑपरेशन करते हैं तो उसके 4 नाम हम पुकारते हैं। अच्छा, अभी फॉर्मूला बताता हूँ मैं ये सब चीजें करने का, एक मास्टर फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर का 2x कैसे किया,
तो कोई इक्वेशन लेते हैं, हम इसको जनरलाइज करते हैं। अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ, अभी फिलहाल तुम्हें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आई विल गिव यू टाइम देन। ठीक है, सो फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन करने का, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर कोई एक एग्जांपल लेते हैं, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर, y इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर एन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, ये n पावर है, n यहाँ लिखेंगे, x को एज इट इज रखेंगे, और ये जो n में से एक घटा देंगे, ये रहेगा हमारा फॉर्मूला। ये आया कैसे है उसकी कोई चिंता नहीं हमें, ठीक है, ये करना कैसे है वो हमारा मेन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू x टू द पावर 4, तो इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो पहले लिखेंगे dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे n कितना है मेरा 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिया, x लिख दिया यहाँ पे, और ये जो 4 था 4 में से एक घटाएंगे दैट इज n माइनस 1, तो यहाँ पे 4 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 4x टू द पावर 3, ये हमारा आंसर रहेगा, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, लगता है इनकम्प्लीट है सर, इससे क्या, पहले हम टूल समझ लेंगे, ठीक है, साइकिल चलाना समझ लेंगे, फिर कहाँ जाना है वो आगे चल के देखेंगे, और एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर, फिर मैंने नीचे एक्सरसाइज रखी है वो हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे है y की जगह पे मैं लेता हूँ s और x की जगह पे मैं लेता हूँ t रेस टू 4, ऐसा लिखा होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ds अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये 4 इधर आ जाएगा t टू द पावर 4 माइनस 1, सो 4 t टू द पावर 3 विल बी द आंसर। ठीक है, तो ये दो पे, ये दो इक्वेशन और ये तुम्हें लिखना है, जल्दी जल्दी फटाफट लिखेंगे ताकि हम बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ये वाला इक्वेशन लिखेंगे, टॉपिक का नाम डेरिवेशन, यही से लिखना है, बाकी कुछ लिखना नहीं है तुम्हें। ये होता है इक्वेशन, और एग्जांपल हमने, कोई भी इक्वेशन हो सकता है, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब हो सकता है, लॉग एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, सब चीजें का डिफरेंशिएशन हमें जानना है। ये भी लिख लो dy by dx is equal to 2x, ये भी लिखना है तुम्हें, नीचे का फॉर्मूला भी लिखना है। नीचे स्क्रॉल करूं? हाँ सर, हाँ सर। चलो आगे लिख लिया, तो रिप्लाई मुझे। फॉर एग्जांपल ऐश्वर्या है, गौरी, कौस्तुभ, कृष्णा, हो गया है, साक्षी भी नहीं है ये टॉपिक के लिए, हाँ सर, हो गया सर, राइट। चलो अभी मैं एक्सरसाइज ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सेट ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, एक दो में सॉल्व करके दूंगा, एक मिनट का मैं टाइम दूंगा, तुम सभी लोगों को सॉल्व करना है। यस सर, कल के टेस्ट में ये भी रहेगा? कल के टेस्ट में नहीं रहेगा ये। ओके सर, पहला सॉल्व कर जाऊं मैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन सिंपल पावर, जो जो हेडिंग होगा, हेडिंग यहाँ पे लिखा होगा, और उसके हेडिंग के अंडर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये होगा। पहले दो तीन में सॉल्व करूंगा और सिमिलर टाइप के आगे करेंगे, तुम्हें सॉल्व करना है, सो बी अटेंटिव, बी रेडी विथ योर पेन पेंसिल नोटबुक। पहला सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएट करना है, कोई इक्वेशन दिया है s e टू द पावर 9, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे कैसा हम, ds अपॉन dt, ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा हमारा, वो वाला y इज इक्वल टू x टू द पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन dy बाय dx लिखते हैं, n x टू द पावर n माइनस 1, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा y और x ही हो, s t हो सकता है, v स्मॉल t हो सकता है, p v हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जो n होता है, n को यहाँ लिखते हैं, तो मैं n यहाँ लिख रहा हूँ, n मेरा 9 है, t
टी टू दी पावर 9 माइनस 1 तो कितना आएगा ये 9 टी टू दी पावर 8 दैट मच सिंपल इट इज ठीक। दूसरा लेता हूं मैं एक एग्जांपल ये वाला बी वी टू दी पावर 4 है तो इसको लिखेंगे डीबी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 4 टी टू दी पावर 3 ठीक है। कोई और ई वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 12 एक्स टू दी पावर 12 माइनस 1 तो हो जाएगा 12 एक्स टू दी पावर 11 ठीक है। जल्दी जल्दी से सब लोग ट्राई करो, ट्राई मत करो, सॉल्व करो सी डी एफ जी एच मेक इट क्विक 1 मिनट ओनली। शॉर्टकट में उसके आंसर बता दूं सबके ठीक है। 4 टी टू द पावर 3 राइट इसका होगा 5 टी टू द पावर 4 इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 7 एक्स टू द पावर 6 इसका होगा 12 x to the power 11 इसका होगा 3 r to the power 2 इसका आंसर होगा 6 v to the power 5 इसका होगा 2 r to the power 1 ये सिंपली 2r लिखें। आगे चलते हैं इसके ये वाले करो सॉल्व दिस वन 1 2 3 4 चलो पहले का क्या है साक्षी न्यू साक्षी साक्षी जैन सेवन ठीक है। ऐश्वर्या बेटा सेकंड वाला बताना सर 19 बाकी के लिख लो अभी सबको पता चल गया होगा 11 टी टू दी पावर 10 इसका होगा 10 वी टू दी पावर 9 ठीक। चलो ये तो काफी सिंपल सा हो गया इसको आगे बढ़ाते हैं अभी ठीक है। अभी यूनिट पावर है लेट्स से कि यहाँ पे एक ही डिजिट की पावर है जहाँ पे टी टू दी पावर 7 6 5 वगैरह था यहाँ पे क्या है सबकी पावर 1 सबकी पावर क्या है यहाँ पे 1 ठीक है। तो नॉर्मल सा तरीका वही फॉर्मूला सब चीजें वही इसको लिखेंगे डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू इसकी पावर है 1 टी टू दी पावर 1 माइनस 0 की 1 माइनस 1 तो दिस इज 1 टी टू दी पावर 0 टी टू दी पावर 0 कितना होता है 1 होता है एनीथिंग टू दी पावर 0 इज 1 ठीक है। 100 टू दी पावर 0 भी आएगा तो आंसर होगा 1 ठीक है। एनी नंबर टू दी पावर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा डी ए बाई डी टी इज 1 डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। चलो इतना लिख लो इसका हेडिंग दे दो डिफरेंशिएशन ऑफ यूनिट पावर सब तरीका वही है सिंगल पावर दिखी मुझे तो इसका आंसर क्या होता है सिंपली 1। बस बी केयरफुल लिखना कैसे इसका रिप्रेजेंटेशन ये बहुत बार बच्चे इसे भूल जाते हैं इसको लिखना कैसे है इसको लिखेंगे ये आर है तो डी आर ऊपर और जिसको डिफरेंशिएट कर रहे वो नीचे आता है डी टी को बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ आर डिफरेंशिएशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू आर इसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग
डिफरेंशिएटिंग आर विथ रिस्पेक्ट, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक। तो क्या बोलते हैं वो समझना भी जरूरी है, कैसे करते हैं वो समझना भी जरूरी है, ठीक है। लिख लिया सबका आंसर, वन लिखा, हाँ सर, ठीक है। ये सेकेंड टाइप हमने कवर किया कि सिंगल पावर होगी, तो इन सभी के भी आंसर क्या आ जाएंगे, वन, ठीक है। देखो सबकी पावर वन है, वाई की पावर वन है, आर की पावर वन है, ठीक है। मतलब ये जेड और वाई दो वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी जेड अपॉन डी वाई, तो सबका आंसर यहाँ पे क्या होगा, वन। इसका भी आंसर क्या होगा, वन। क्यों, सबके वेरिएबल की पावर कितनी है यहाँ पे, वन, ठीक है। तो सिंगल पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन होता है। ये अगर याद रख पाओगे तो टाइम बच जाएगा जब हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, कांस्टेंट का क्या है, थर्ड टाइप यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे दिया है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का आता है जीरो, कोई भी कांस्टेंट रहे, जैसे कि 5, 0.6, 1/2, 1, कोई भी नंबर देंगे, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन लिखेंगे हम जीरो। सो ds by dt जीरो आ जाएगा, और इसका dv by dt, इसका आंसर का डिफरेंशिएशन जीरो। लॉजिकली सोचो ना, डिफरेंशिएशन क्या है, डिफरेंशिएशन इज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। कभी नंबर चेंज होता है क्या, जो नंबर आज 0.5 मैंने लिखा, कल जाके वो अपने आप 0.6 नहीं हो सकता, नंबर क्या होते, कांस्टेंट। कांस्टेंट का चेंज होता है जीरो, इसलिए कोई भी कांस्टेंट टर्म रहे, 1/2 रहे, 0.6 रहे, सबका आंसर जीरो। सो हमने तीन चीजें यहाँ पे देखी, फॉर्मूला, फॉर्मूला अप्लाई किया हमने यूनिट पावर के लिए और कांस्टेंट के लिए। कांस्टेंट के लिए तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं, सीधा आंसर लिखना है उसका जीरो। आगे बढ़ता हूँ, अभी ये सॉल्व करो, इसके आंसर्स बताओ मुझे। टेक योर वन मिनट, ई एफ जी एच आई जे के एल, ये सभी को सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आएगा। पहले का जीरो आ जाएगा, पाई क्या है, नंबर है ना, पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7 या 3.14, ये तो नंबर निकला, मतलब इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। 29.6, ये भी तो नंबर है, इसका आंसर जीरो। 3^-1, 3 भी तो नंबर है ना, तो 3^-1 लिखेंगे, 3^100 भी लिखेंगे, तो आंसर जीरो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 200^1000, 10,000, ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt जीरो, या मैं dx अपॉन dy भी लिखूंगा तो आंसर क्या है, जीरो, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोई वेरिएबल ही नहीं है। तो रिमेम्बर वन थिंग, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक। इसका भी आंसर क्या आएगा, सभी का आंसर जीरो आ जाएगा, सभी तो नंबर दिख रहे हैं, रूट में हो कुछ भी हो आंसर जीरो, बस टेक केयर कि वो सभी के सभी नंबर दिखाई पड़े हमें, ठीक है। कोई भी दो तीन एग्जाम्पल लिख लो, फिर नोट्स तो मैं हमारे एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, वहां से तुम इसको फिर से रेफर कर सकते हो अगर कोई छूट जाता है तो, और ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी हमारे एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थर्ड टाइप है, इन द फोर्थ टाइप, अगर इस प्रकार का डिफरेंशिएशन अगर करने की कभी जरूरत पड़ी तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, पूरा सिंपल है, एंजॉय करते करते हुए पढ़ सकते हैं। ये 3 है और यहाँ पे t^4 है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। अगर सिंपल 3 आता, s इज इक्वल टू 3 आता, तो तुम उसका डिफरेंशिएशन बोलते ds अपॉन dt जीरो, क्योंकि कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। लेकिन 3 कैसे आया है, t^4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आया है, तो मल्टीप्लिकेशन में जब आया है तो उसको बोला b my welcome to our family, ds upon dt करेंगे, b my guest मतलब 3 को हमने as it is रखा है, हम t^4 के ऊपर फोकस करेंगे, उसको तोड़ेंगे। डिफरेंशिएशन करने का दूसरा मीनिंग होता है तोड़ना। अभी t^4 का आंसर क्या आ जाएगा, 4, t^4 -1 is 3।
अब ये 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, 4 3 12, सो 12 to the power 3 विल बी आंसर। तो मैंने तोड़ा मतलब क्या बोल रहा था मैं, देखो इक्वेशन में पावर इसकी 4 थी, जब डिफरेंशिएशन किया पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। सो डिफरेंशिएशन का और एक मीनिंग होता है कि इक्वेशन को तोड़ो, उसकी पावर कम करो, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, और एक दो एग्जांपल करते हैं। ये वाला एग्जांपल, इसको हम लिखेंगे dy/dx इज इक्वल टू 7 बी माई गेस, मतलब उसको कुछ नहीं करना है, जीरो नहीं लिखना उसको, वो अकेला आता है तब जीरो लिखते हैं, किसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में आता है तो उसको जीरो नहीं करेंगे। x टू द पावर 3 का आएगा 3x to the power 2, ठीक है। अब मुझे c और d का तुम आंसर बताओ, और ये पहले दो तीन जो एक्सप्लेन किए उसे भी अच्छे से लिख लो। हेडिंग है इसका, हेडिंग में ज्यादा कोई मतलब नहीं है, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल पावर मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट। चल हो गया है, कोई yes, बताएगा मुझे सी का आंसर? टू थीटा रेस टू फोर। ओके, तो मैं स्टेप बाय करता हूँ, 0.4 को रख दिया ऐसा, यहाँ पे आ जाएगा 5 थीटा रेस टू 4, सो 0.4 into 5 2, सो 2 थीटा रेस टू 4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये 4r³ का 12 r raised to 2 4 को रखा यहाँ पे, 3 यहाँ पे, r raised to 3 minus 1, so your 4 into 3 r raised to 2, that is 12 r square, right? अच्छा, किसी को कोई दिक्कत होगी तो पूछे मुझे, नहीं तो मैं आगे चलता हूँ। चलो आगे। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। चलो, अभी हमारे प्लेट में बहुत सारे क्वेश्चन डाल दिए मैंने, एक एक करके जल्दी जल्दी सॉल्व करो, 2 मिनट का वक्त दे रहा हूँ, मतलब यही क्लासरूम में ही प्रैक्टिस हो जाएगी, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं, सभी डाउट्स यही पे सॉल्व हो जाएंगे हमारे। टेक योर 2 मिनट्स, अगर नहीं आता है कोई क्वेश्चन छोड़ दो उसे, नेक्स्ट वाला सॉल्व करो। गुड, विराज झाला करे? हाँ हो गया सर। चलो पहले वाले का देखते हैं, जिनका आया होगा वेरी गुड, जिनका नहीं आया होगा मेरे साथ देखेंगे सीखेंगे। पहले लिखेंगे हम इसको dA/dr, दैट्स फॉर श्योर, क्योंकि जिसको डिफरेंशिएट करना है वो तो नीचे आता है dr, ठीक। चलो पाई को गेस्ट रखा, मतलब वो कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में बाहर, आर स्क्वायर का मैं शॉर्टकट में कर दो, अभी 2r, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2r लिख दिया सीधा, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है ये, इसको लिखेंगे dt/dθ इज इक्वल टू 6, वही रहेगा 4θ^3, ये हो जाएगा 24θ^3। बाकी के मैं अभी शॉर्टकट में करता हूँ ताकि हम टाइम सेव कर सकें, तो दिस विल बी 5
बाहर, अंदर होगा 9t^8, राइट। बाकी तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो इसे, ये क्या होगा 6, अंदर क्या होगा 3v^2, बाकी के भी वैसे है, ये क्या होगा 14, 2 × x, यहाँ पे ये क्या होगा 5 बाहर 7t^6, ये क्या होगा 7 बाहर 6v^5, एंड दिस वन विल बी 12 (8n^7, बाकी जो मल्टीप्लीकेशन है 5 × 9, 6 × 3 वो तुम कर सकते हो। ओके चलो आगे, लिख लिया सब लोगों ने मेरे साथ? यू रिक्वायर्ड सम टाइम? नो सर। निखिल? यस सर, 1 मिनट प्लीज। डन सर। डन? हाँ सर। ऑलराइट, ठीक है। सो हमने 4 टाइप कवर किए, इंटरलिंक थे, काफी आसान गलती नहीं, कोई परेशान नहीं, ठीक है। अब ये करके दिखा मुझे, चलो ये चारों क्वेश्चन, 1, 2, 3, 3 क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ क्या आएगा। सर 5, 6 और 4। हाँ, मेरे साले बेटा तू आंसर नहीं, जिनका हो गया है वो आंसर नहीं देंगे, जिनको मैंने पहले पढ़ाया है वो आंसर ना दे प्लीज। 5, 6 and 4। ओके सो 5, 6 and 4, तो इसको लिखेंगे dy by dx is equals to 5 को ऐसे रखा, x का पता है, फिर से बता रहा हूँ, x की पावर यहाँ पे 1 है, तो 1 × 1 - 1, कौन सा फॉर्मूला, ये y is equals to x^1, ऐसे ही टाइप की इक्वेशन है सभी, और इसको कैसे लिखते हैं हम, dy by dx is equals to n x^n-1, ये फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे n कितना था, 1 था, इसलिए यहाँ पे नीचे लिया n-1, 1 में से 1 हटा देंगे, कितना बचेगा ये 5x^0, दैट इज 5, और वही फैशन से अगर ये करते तो इसका आंसर 6 आएगा और इसका आंसर आएगा 4, सिंपल। सो लेट्स मूव अहेड, इसे सॉल्व करो, सॉल्व दिस क्वेश्चंस, सी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी, एनी ट्विस्ट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन, सब सॉल्व करो, डी ई एफ जी से लेकर एल तक। सबको स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियरली दिखाई और सुनाई दे रहा है ना? हाँ सर। ठीक, डन? हाँ सर। चलो पहला देखो मैं अभी, फिर फर्स्ट का कोई बताएगा मुझे, रैंडमली कोई भी बताओ,
डीसी बाय डीएम क्या होगा? 7 करेक्ट. वही नॉर्मल सा तरीका. इसका क्या होगा? 0.5 क्योंकि हमारे वेरिएबल की पावर कितनी है? 1 है. 1 इसका आंसर आएगा पाई. पाई इसका आंसर 1.7. एच का आंसर 1/3. इसका 1/4. इसका 3.14. दिस इज 5. और इसका 9.6. ठीक है, राइट. सो इजी. चलो आगे चलते हैं फिर. ओके, ये करो अभी. ए बी सी, ट्राई दिस वन. तीन क्वेश्चन सही है. Done, sir. पहला देखते हैं. पहले में कैसे करना है? अभी पावर 2.8 है तो ds अपॉन dt पहले लिखेंगे इज इक्वल्स टू, बाकी कुछ नहीं है, कांस्टेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो 2.8 नीचे आएगा. दिस इज 2.8 t टू द पावर 2.8 माइनस 1, राइट. वही फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1, यही हमने किया. गौरी बेटा माइक बंद करो. तो ये आ जाएगा 2.8 t टू द पावर 2.8 माइनस 1 इज 1.8. ये इतना आंसर रहेगा बस. दैट्स इट. b को मैं करके दिखाता हूं, देखो. और आगे क्वेश्चन तुम्हारे लिए रखे हैं मैंने. dy / dx इज इक्वल्स टू, इसकी पावर 2/3 है तो 2/3 यहां आ जाएगा, x टू द पावर 2/3 माइनस 1. सो 2/3 x टू द पावर 2/3 माइनस 1 कितना होगा? 2 माइनस 3 अपॉन 3, दैट इज माइनस 1/3. तो दिस इज माइनस 1/3. ठीक है, चाहे तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ये 2/3 इंटू माइनस पावर, जब हम डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी 1/3. ठीक है, छोटी छोटी चीजें भी मैं बताते चला जाऊंगा कि कोई भी पावर को अगर हम न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, एंड वाइस वर्सा. कोई डिनोमिनेटर में पावर है उसको न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो वो साइन चेंज कर देंगे, ये पता ही होगा तुम्हें. चलो अभी लास्ट वाला. इसमें dr / d थीटा इज इक्वल्स टू 0.4, उसको कुछ नहीं करना है, वो नंबर है हमें पता है, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन के साथ आया तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा. सो ये 1/4 इधर आ जाएगा, थीटा टू द पावर 1/4 माइनस 1. कितना आ जाएगा ये फिर? 0.4 अपॉन 4 थीटा टू द पावर 1 माइनस 4, दैट इज माइनस 3 अपॉन 4. फिर चाहे तो इसको हम नीचे ले सकते हैं, इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये कितना आएगा? 0.1. ठीक है, सो फाइनल आंसर क्या होगा इसका? द आंसर विल बी 0.1 थीटा टू द पावर माइनस 3/4, या तुम ऐसा लिखना चाहोगे तो नीचे लिख के प्लस लिख दो इसे. ठीक है, चलो इसमें किसी को दिक्कत होगी तो पूछो मुझे. नहीं सर, तो क्लियर है. चलते हैं. नहीं सबको? नहीं सर. ओके फाइन, चल फिर इसे सॉल्व करके दिखाओ. अभी सॉल्व दिस क्वेश्चंस. ये प्योरली मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, रिक्वायर्ड फॉर फिजिक्स. डिफरेंशिएशन टॉपिक का नाम, डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ रूल में सिखा रहा हूँ. सब लोग ट्राई करेंगे, कोई सिंपली देखेगा नहीं. नोटबुक पेन निकाल के इसे ट्राई करो, फिर मतलब नहीं तो कोई मतलब नहीं आएगा.
चलो करो जल्दी। ओके राइट चलो पहला सॉल्व कर रहा हूँ, चेक करना तुम्हारा सही है या कुछ गलती हो रही है। देखो पहला वाला सॉल्व कर रहा हूँ मैं, डी डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू फोर, तो मल्टीप्लीकेशन के साथ है तो बाहर, आर की पावर माइनस थ्री जो नंबर है वो लिखना है, माइनस थ्री यहाँ लिखा, आर टू दी पावर माइनस थ्री में से माइनस वन हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सो ये हो जाएगा फोर माइनस थ्री आर टू दी पावर माइनस थ्री माइनस वन, जी हाँ माइनस फोर, निगेटिव में पावर बढ़ जाएगी, ये कितना आ जाएगा माइनस ट्वेल्व आर टू दी पावर माइनस फोर। ठीक आगे वाला इसका क्या आ जाएगा, ये वन बाय टू आर टू दी पावर वन बाय टू माइनस वन, वन बाय टू माइनस वन कितना आता है माइनस वन बाय टू। ठीक है चाहे तो इसको हम डिनोमिनेटर में लेके लिख सकते हैं वन अपॉन आर रेस टू प्लस वन बाय टू। ठीक एफ का क्या है, एफ में आ जाएगा माइनस सिक्स थीटा रेस टू माइनस सेवन। ठीक है जी में क्या आ जाएगा, जी में आ जाएगा माइनस वन टी टू दी पावर माइनस वन माइनस वन, वो कितना आ जाएगा टी टू दी पावर माइनस टू। ठीक है एफ कर रहा एच, एफ किया क्या हमने, हाँ एच कुछ के लिए चेंज कलर, ये आ जाएगा डी पी बाय डी वी इज इक्वल्स टू माइनस थ्री पॉइंट फाइव वी टू दी पावर माइनस थ्री पॉइंट फाइव माइनस वन, तो कितना आएगा ये माइनस थ्री पॉइंट फाइव वी टू दी पावर माइनस फोर पॉइंट फाइव एच हो गया। आई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे करता हूँ आई, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू थ्री बाय फोर, इधर एक्स टू दी पावर थ्री बाय फोर माइनस वन, थ्री बाय फोर माइनस वन मतलब थ्री माइनस फोर अपॉन फोर, कितना आ जाएगा ये माइनस वन बाय फोर, तो इसका आंसर थ्री बाय फोर एक्स टू दी पावर माइनस वन बाय फोर। और आगे वाले करते हैं डिफरेंट कलर से, आर डी आर बाई डी टी इज इक्वल माइनस वन बाई थ्री टी टू दी पावर माइनस वन बाई थ्री माइनस वन, कितना आएगा ये माइनस वन बाई थ्री टी टू दी पावर माइनस फोर बाई थ्री। ठीक है और बाकी के दो तो काफी सिंपल है, देखो इनमें से कौन सा कुछ समझ में नहीं आया मुझे पूछो, मैं फिर से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। कोई है कोई क्वेश्चन जिसमें तुम्हें कोई डाउट लग रहा है, कोई सब्ट्रैक्शन कोई एडिशन कोई मल्टीप्लिकेशन कुछ भी डाउट हो फील फ्री टू आस्क मी। ऑलराइट चलो आगे, लिख लिया सब लोगों ने? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है ये भी कर दो अभी लग गया तो, ये दो तीन छोटे छोटे क्वेश्चंस ए बी सी। चलो पहले का कौन बताएगा मुझे आंसर, फर्स्ट वन सर 7.5x रेस टू 1.4। ओके लेट्स चेक आ गया ये दिस, सो dy / dx इज इक्वल्स टू 5 एज इट इज, अंदर रहेगा 1.5x टू द पावर 1.5 माइनस 1, तो ये 5 1.5x टू द पावर 0.5 राइट,
15 into 5 7.5 x to the power 0.5 ठीक है तो क्या आंसर आया हमारा फाइनली 7.5 x to the power 0.5 सभी का यही आंसर है यस सर सेकंड बताओ सेकंड वाला -12 -4 -3 -1 -4 राइट और ये 4 × 3 = 12 ओके सी में क्या है सी में देखते हैं इसको लिखेंगे डीपी बाई डीवी बी केयरफुल विद दिस वन व्हाई यू राइट ठीक है नहीं तो हम इसको इग्नोर कर देते हाँ ये तो कुछ ना कुछ लिखते हैं नहीं उसे भी याद रखना ठीक है ये 8 को कांस्टेंट रखा ये 1/2 इधर वी टू द पावर वी होगा या यू होगा जो कुछ है -1/2 -1 -1 8/2 वी टू द पावर -1/2 कितना होगा ये 4 V⁻⁻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 ⁻
मतलब रूट रहता ना? हाँ रूट लिख सकते हैं, वो बता देता हूँ। इतना समझ में आया? ठीक अभी इस पावर को हम रूट में लिख सकते हैं। अभी इसको लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन बता रहा हूँ। अभी एक तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, फोर अपॉन वी टू द पावर वन बाय टू, राइट। या मैं इसको लिख सकता हूँ फोर अपॉन पावर वन बाय टू, मतलब होता है रूट। तो इसको हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आइदर यू राइट फोर अपॉन वी टू द पावर वन बाय टू। अगर किसी क्वेश्चन में रूट है तो तुम्हें पता है रूट की पावर कितनी होती है, रूट जब निकालते हैं तो पावर कितनी होती है, वन बाय टू, ठीक है। ये चीज भी नोट कर लो, ठीक। नाउ सॉल्व दिस वन, और ये सॉल्व करके आज का लेक्चर हम समाप्त कर देंगे। कल जाके हमें बहुत थोड़े से डिफिकल्ट वगैरह देखने। सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी, घर जाके फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। हो गया, हाँ सर। पहला चेक करें, ठीक है। डी का क्या आएगा? सीधा आंसर लिख रहा हूं मैं, सिक्स यहाँ पे माइनस वन एन टू द पावर माइनस टू, सो ये माइनस सिक्स एन टू द पावर माइनस टू, तो इसको माइनस सिक्स अपॉन एन स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। देखो सबको समझ में आया ये माइनस टू क्यों आया यहाँ पे? माइनस वन इज माइनस टू, ठीक है। यहाँ पे माइनस वन क्यों आया? क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से इस वन को हम नीचे लिखते हैं। इसको सिक्स ही क्यों लिखा? क्योंकि वो मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है? क्या ना ई क्यू वाला सॉल्व करते हैं। ये टू इधर रहेगा, जीरो पॉइंट फाइव यहाँ पे, वी टू द पावर
वन माइनस जीरो पॉइंट 0.5 माइनस वन करेंगे ना, एन माइनस वन 0.5 माइनस वन कितना आएगा ये 2 इंटू 0.5 इज 1 वी टू द पावर माइनस 0.5। ठीक, अभी देखो इसको थोड़ा और सजा दजा के लिखना है तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ v टू द पावर माइनस 0.5 क्या होता है 1/2, और मैं अच्छे से लिखना चाहूंगा तो 1 अपॉन v टू द पावर 1/2, और सिंप्लीफाई करना है तो इसको रूट वी तक ले जा सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, हर बार हम ऐसा नहीं करेंगे, ये फ्लो तक जाएंगे तो अपने आप हम समझ जाएंगे कि अच्छा 0.5 मतलब 1/2 होता है, अच्छा निगेटिव पावर मतलब डिनोमिनेटर में जाके पॉजिटिव कर, अच्छा रूट मतलब 1/2 के रूट ही आ गया। और आगे चलते हैं, ये वाला करता हूँ मैं 6, ये तो वैसा ही है, ये तो कर लोगे तुम, ये भी हो जाएगा। मैं h वाला एक्सप्लेन करता हूँ, h में क्या है, थीटा इज इक्वल्स टू 1/5 टी टू द पावर 6 डी थीटा अपॉन डी टी। 1/5 मल्टीप्लीकेशन में कॉन्स्टेंट नंबर, उसे जीरो नहीं करना है, अकेला आएगा तब जीरो होगा वो। टी टू द पावर 6 6 टी टू द पावर 6 माइनस 1 इज 5, सो दिस विल बी 6/5 टी टू द पावर 5, दैट्स इट, दिस इज द आंसर। ठीक है, जब हम फिजिक्स का एप्लीकेशन देखेंगे हम इसके आगे फिर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। अभी हम टूल सीख रहे हैं सिर्फ, इसलिए हम थोड़ा लॉजिक साइड में रखेंगे और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, सो इससे मैं कट कर रहा हूँ, दिस आई को सॉल्व करेंगे हम, तो ये क्या होगा, डी आर बाय डी टी इज इक्वल्स टू माइनस 5 एज इट इज, ये माइनस 2 टी टू द पावर माइनस 2 माइनस 1, बहुत सारे माइनस आ गए, 5 टू जै 10 माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 10 टी टू द पावर माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3, तो ये रहा इसका आंसर। और कौन सा करूं मैं, ये लास्ट वाला करके दिखाता हूँ, एल वी बाय डी आर करना है, इक्वल्स टू ये माइनस 3 इधर माइनस 4 नीचे आर की पावर माइनस 4 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 4 थ्री 12, सो प्लस 12 आर टू द पावर माइनस 5। ठीक, आई होप तुमने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर, बड़ा सिंपल प्यारा क्यूट सा, इसके आगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाएंगे। कल के लिए इंस्ट्रक्शन है, कल हमारी एग्जाम है और क्लास भी है। ठीक है, एग्जाम रहेगी 1:30 to 2:30, ठीक है, और क्लास रहेगा 12:30 to 1:30। ठीक है, एग्जाम हम 2 बजे कर लेंगे, ठीक है, तुरंत एग्जाम लेक्चर के बाद तुम एग्जाम नहीं दे सकते। सर 2 बजे लेक्चर होगा, 2 बजे लेक्चर रहता, तो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑनलाइन एग्जाम की लिंक 2 बजे से लेकर 6 बजे तक ओपन रख दूंगा, सो इन बिटवीन जब कभी तुम्हारे लेक्चर हो जाएंगे 2 बजे से 5 बजे के बीच में, तुम कभी भी उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो पूरा इंस्ट्रक्शन है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी डाल दूंगा, हमारे एप्लीकेशन के ग्रुप के ऊपर भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, 12:30 to 1:30 ये क्लास होगी, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन कंटिन्यू करूंगा। जो बच्चे नए हैं जिन्होंने 1D 2D नहीं किया है उनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं, फिर भी एज एक्सपीरियंस मैं सजेस्ट करूंगा भी एक बार एग्जाम अटेम्प्ट करके देखे इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ताकि ये पूरे इकोसिस्टम में वो भी फैमिलियर हो जाए। ठीक है, और जिनको मैंने जो पहले से मेरे पास है 1D 2D वो तो अच्छे से प्रिपेयर करके इसको पढ़ लें, डिफरेंशिएशन कल के एग्जाम में नहीं आएगा। और कोई क्वेरी होगी तो मुझे पूछो।